पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी फरार गैंगस्टर दीपक टीनू और उसकी प्रेमिका को पकड़ने के लिए दिन रात भागदौड़ कर रही है। इसके बावजूद दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसकी वजह यह भी है कि टीनू और प्रेमिका अब अलग हो चुके हैं। जिस मोबाइल को लेकर टीनू भागा था वो भी उसने फेंक दिया और लगातार ठिकाने बदल रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रीतपाल से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके जरिए पुलिस महकमे में गैंगस्टरों के गठजोड़ की कड़ी जानने में जुटी है। घटना के समय CIA में तैनात पुलिस कर्मियों को भी जांच में शामिल किया गया है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में से 2 से 3 पुलिस वालों पर कार्रवाई हो सकती है। आरोपी दीपक टीनू की तलाश दिल्ली, पंजाब, गुजरात तक पहुंच चुकी है मगर वो हाथ नहीं लग रहा है। पंजाब पुलिस इसलिए भी ताबड़तोड़ दबिश दे रही क्योंकि गैंगस्टर के भागने से उसकी अपनी छवि दांव पर लगी है। पुलिस को शक है कि आरोपी टीनू नेपाल बॉर्डर पार करके विदेश भाग सकता है। ऐसे में वहां खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस अपने स्तर पर भी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। स्थानीय पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया है। उनकी तस्वीरें हर थाने में भेजी गई हैं। दीपक उर्फ टीनू बेहद शातिर और तेज दिमाग है। वो पहले भी 2 बार पुलिस हिरासत से भाग चुका है। हालांकि दोनों बार वो पकड़ा गया है। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ फरार हुआ है। उसने पुलिस वालों से कहा भी था कि तीसरी बार फरार हुआ तो हाथ नहीं आऊंगा। यही वजह है कि 5 राज्यों की पुलिस की सारी रणनीति उसे पकड़ने में विफल साबित हो रही है। कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ उसे लगातार गाइड कर रहा है।